बीती रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोग घायल हुए। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में अलग अलग घटनाओं में 8 घंटों में 5 लोग घायल हुए, जिनकी उपचार के बाद हालत गंभीर बताई जा रही है। 2 लोगों को बहराइच भेजा गया है। बीती रात लगभग 12 बजे बाइक सवार 3 लोग इकोना गिलोला मार्ग पर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें घायलों की पहचान तिलकराम गोस्वामी पुत्र पुत्तीलाल गोस्वामी, राम प्रसाद गोस्वामी पुत्र ननकौ प्रसाद और युधिष्ठिर पुत्र ननकौ प्रसाद शामिल हैं। इन्हें 108 की मदद से इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने आधी रात के बाद उपचार के बाद 2 को जिला अस्पताल रेफर किया। हादसे की ये तस्वीरें, जहां पर अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना का शिकार होकर 5 लोग इकोना अस्पताल पहुंचे, 8 घंटों में 5 लोग घायल हुए, आधी रात के बाद डॉक्टरों ने घायल हुए 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बहराइच जाने की इजाज़त दी, हालांकि लोग अपने घरों को रवाना हुए। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना इलाके के इकोना गिलोला मार्ग पर यह हादसे हुए, जहां पर 3 लोग घायल हुए। आपको बता दें, इस समय बौद्ध परिपथ पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा रहता है, संभवतः उन्हीं की टक्कर से ये लोग घायल हुए, जिसके बाद उन्हें इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 को बहराइच रेफर किया था, पर सभी लोग अपने घर रवाना हुए। वहीं दूसरी घटना आज सुबह सवेरे 7 बजे की है, जब इकोना इलाके के कैलाशपुर निवासी 24 वर्षीय मुकेश अपनी पत्नी 22 वर्षीय गेंदावती को लेकर प्रयागपुर स्थित किसी मंदिर पर पूजा पाठ करने जा रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 ने उन्हें इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। इकोना प्रयागपुर के मधुपुरवा के पास ये घटना हुई, हालांकि यह घटना थाना और जिला बहराइच में निकली। बहराइच पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। घायलों को इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत नाजुक बताते हुए दोनों को जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया। इकोना प्रयागपुर मार्ग के मधुपुरवा के पास ये हादसा उस वक्त हुआ, जब दोनों बाइक पर सवार होकर प्रयागपुर स्थित किसी मंदिर पर जा रहे थे, तभी बेकाबू ट्रक ने उन्हें मधुपुरवा के पास टक्कर मार दी। हालांकि ट्रक भी पुलिस के पकड़ में है और पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र इकोना और प्रयागपुर बॉर्डर का यह पूरा मामला है, जहां पर यह घटना सामने आई। हालांकि जब डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची तो उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि घटनास्थल बहराइच जिले का है और बहराइच जिले की पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। मौके पर बहराइच जिले की पुलिस पहुंच गई है, जो कार्रवाई में जुटी हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इकोना अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों को पहुंचाया गया, परंतु डॉक्टरों ने दोनों को बहराइच रेफर किया है। पिछले 8 घंटों में 5 लोग घायल हुए हैं।